नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। डीटीवी भारत की खबर का उस पर मुहर लगी है, डीटीवी भारत की खबर पर मुहर लगी है इस वक्त की बड़ी खबर। मदन मोहन झा बने रहेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि अभी भी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा रहेंगे। 4 सितंबर को डीटीवी भारत ने दिखाई थी खबर जिस पर आज मुहर लग गई है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह का बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे मदन मोहन झा। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस आलाकमान ने फैसले पर लगाई मुहर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, डीटीवी ने 4 सितंबर को यह खबर दिखाई थी, पक्की जानकारी थी कि प्रदेश अध्यक्ष वही बने रहेंगे, जिस पर अब आलाकमान ने भी मुहर लगा दी है। बिल्कुल, एक बार और साबित हुआ है ऋतिक कि डीटीवी जो खबरें दिखाता है वो बेहद सटीकता से दिखाता है और तथ्यों के साथ दिखाता है। हमारी जो जानकारी होती है, हमारे जो सूत्र हैं वो बहुत पुख्ता सूत्र हैं। अगर किसी खास घटना को छोड़ दें या आंशिक रूप से किसी अपवाद को छोड़ दें तो हमारी हर खबर पर मुहर लगी है। खासकर हम जो ब्रेकिंग दिखाते हैं, हम जो एक्सक्लूसिव जानकारियां बताते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, खासकर वो उस पर साफ तौर पर मुहर लगी है। 4 सितंबर यानी आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले हमने ये खबर दिखाई थी, 25 दिन पहले हमने ये खबर दिखाई थी जी, कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की कुर्सी बच सकती है। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। और हालांकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, उनका बयान है, उनका बयान यह है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ही बने रहेंगे, प्रदेश कांग्रेस की कमान उन्हीं के हाथों में अब भी रहेगी। तो जाहिर तौर पर 4 सितंबर को हमने जो खबर अपने दर्शकों को दिखाई उस पर मुहर लगी है, डीटीवी भारत की खबर पर मुहर लगी है। और एक बार फिर यह साबित हुआ है कि दर्शक जो भरोसा हम पर करते हैं खबरों के लिए, हम उस पर लगातार खड़े उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदेश अध्यक्ष अब मदन मोहन झा ही बने रहेंगे लेकिन उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा था अब आने वाले दिनों में, क्योंकि उन पर कई बार ये आरोप भी लगे कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिहार में फल फूल नहीं रही है। आने वाले दिनों में मदन मोहन झा के लिए कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, ये आरोप जरूर लगे कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में बिहार में फल फूल नहीं रही है लेकिन कांग्रेस बिहार में फले फूले इसके लिए सिर्फ मदन मोहन झा जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस अंदरूनी कलह से परेशान रही है, अंदरूनी कलह से जूझती रही है, कांग्रेस में तमाम तरह की दिक्कतें रही हैं, कांग्रेस में तमाम अंदरूनी झगड़े रहे हैं। मदन मोहन झा का जो कार्यकाल रहा है उसमें इस तरह की चुनौतियां कांग्रेस के सामने कम रही हैं। और मदन मोहन, जो हमारे पास जानकारी जब 4 सितंबर को हम दर्शकों को बता रहे थे कि मदन मोहन झा ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, तो हमने यह भी बताया था कि जो बिहार कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता हैं उन्होंने एक तरह से पैरवी की है कांग्रेस आलाकमान के सामने कि फिलहाल मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को ही बने रहने दिया जाए। हालांकि राजेश राम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे थे लेकिन बिहार के ज्यादातर बड़े कांग्रेसी चाहते थे, बड़े कांग्रेसी नेता चाहते थे कि मदन मोहन झा के ही हाथों में यह कमान रहे। और हमने तब भी बताया था, 4 सितंबर को बताया था कि कांग्रेस आलाकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब खबर आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने उस फैसले पर मुहर लगा दी है। मदन मोहन झा से हमने बात करने की कोशिश की, अब तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का बयान आया जरूर है कि मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता मदन मोहन झा हो, कांग्रेस के कई बड़े प्रवक्ता हो, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हो, प्रेमचंद मिश्रा हो, वो सब दिल्ली में डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। उम्मीद है कुछ घंटों में आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष
कौन होगा या फिर मदन मोहन झा ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़कर इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे थे। तो हमने 4 सितंबर को यह खबर दिखाई थी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मदन मोहन झा ही बने रह सकते हैं, जिस पर अब कांग्रेस वाला कमाने में मोहर लगा दी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह का बयान है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष अभी भी मदन मोहन झा ही बने रह सकते हैं।